2019 चुनाव का बिगुल अभी से बच गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल सारे सियासी दांव पेच 2019 को देखकर ही लगा रहे हैं। जहां पीएम मोदी और अमित शाह लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। जन आक्रोश रैली कर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भर ये तो साफ कर दिया कि दंगल आसान नहीं होगा, लेकिन चुनाव का जो मुद्दा कांग्रेस ने चुना है वो इस वक्त सरकार की सबसे बड़ी परेशानी है, यानी कि 2014 के दंगल में पूर्व की यूपीए सरकार की नाकामियों को गिनाकर बीजेपी सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हुई थी, लेकिन अब ये मौका कांग्रेस के पास है। अब विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस भी मोदी सरकार की नाकामियों को हथियार बनाकर 2019 के चुनाव में उतरेगी। पार्टी ने उन सभी मुद्दों को लेकर महामुकाबले में उतरने का फैसला किया है जो मोदी सरकार की परेशानी बने हुए हैं। इस वक्त मोदी सरकार के लिए सबसे ज्यादा गले की हड्डी बेरोजगारी है। इसी मुद्दे को कांग्रेस 2019 के दंगल में अपना हथियार बनाएगी। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और नरेंद्र मोदी सरकार की नौकरियां पैदा करने में अक्षमता होगी। भारतीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने मोदी सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि वैसे तो कांग्रेस के पास कई मुद्दे हैं, लेकिन 2019 चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी होगा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में नौकरी पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके अलावा निर्यात और गैर कृषि नौकरियों जैसे डेयरी फार्मिंग पर ध्यान देगी। अब कांग्रेस ने 2019 को लेकर मुद्दा तो सोच लिया, लेकिन देखना होगा कि ये दांव कितना कारगर साबित होता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।